तो बहुपद सबसे पहले आता है। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? क्या वो पिक्चर है? पिक्चर चर हो जाता है, चर क्या हो जाता है, जानवर हो जाता है, क्या हो जाता है? मतलब चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो समझ लीजिए कि वो बहुपद होता है। व्यंजक में चर, इसकी घात और धनात्मक पूर्णांक, तीन शब्द है, बाकी कुछ भी नहीं है। चर होना चाहिए, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यानी अगर मैं पी एक्स बराबर ऐसे लिख देता हूं, आप देखिए इसमें चर है एक्स, एक्स की घात यहां दो है, यहां एक है, तो इसका मतलब है कि ये बहुपद है, ये बहुपद है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिख देता है टू रूट एक्स प्लस तीन, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर है एक्स, इसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, और यहां पर एक्स की घात एक बटा दो हो गई। अंडर रूट का मतलब क्या है? अंडर रूट का मतलब घात एक बटा दो। अगर आप इसको हटाओगे, अंडर रूट के निशान को हटाओगे, तो इसकी घात एक बटा दो हो जाती, तो ये एक बटा दो हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। मान लीजिए आप ऐसा कोई उदाहरण दे देते हैं, पी एक्स बराबर कोई भी कैसे भी ये टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की संख्या चाहिए और पूर्णांक चाहिए, एक दो तीन चार पाँच ऐसे चाहिए। पर यहाँ पर देखिए ये घात एक्स नीचे है, ऊपर आएगा तो इसकी घात माइनस एक हो जाएगी, और माइनस एक है इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो देखिए माइनस में इसलिए भी नहीं है, ये घात बटे में आ गई ये भी नहीं है। कई बार हमको ऐसा दे देते हैं कि पी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स की घात चार प्लस दो एक्स प्लस एक, बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसको देखिए, स्टूडेंट देखते ही चक्री खा जाता है कि अंडर रूट आ गया ना, इसलिए बहुपद नहीं है। अंडर रूट होने से कुछ नहीं होता है, घात चार दे दी तो आप देखिए अंडर रूट का मतलब एक बटा दो घात होती है। अब एक बटा दो होती है तो ये इससे कट जाएगा, दो और दो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडर रूट है पर घात चार है, तो चार का आधा दो ये कट जाता है, तो ये बहुपद रहता है। धनात्मक पूर्णांक यहां दो है, यहां पर एक है घात, इसलिए ये धनात्मक घाते हैं, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको अपन बहुपद कहेंगे। ये पी एक्स लिखते हैं, पी का मतलब बहुपद होता है, एक्स का मतलब यहां चर एक्स है। अगर यहां चर वाई लिख दोगे तो मैं इसको पी वाई लिख दूंगा। अंग्रेजी में इसको बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए पी लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इस बहुपद में एक्स का मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना, और जो वो एक्स के मान होते हैं उसको अपन शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक बहुपद है, जैसे कोई यहां पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार, बहुपद है ये। फिर ये प्रश्न बताते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। तो शून्यक क्या होता है? सबसे पहले शून्यक, शून्य क्या होता है? एक्स का वो मान जो इस बहुपद को क्या बना दे, शून्य, इसलिए उसको शून्यक कहते हैं। एक्स का वो मान जो इसमें इसको बहुपद को शून्य बना देगा। मान लीजिए मैं एक्स की जगह दो लिखता हूं, तो अब मैं दो लिखूंगा तो ये देखिए यहां माइनस दो, यहां माइनस दो का स्क्वायर माइनस चार, ये माइनस दो का स्क्वायर चार होता है, ये माइनस चार, यानी क्या आ गया, जीरो। तो बहुपद का मान क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये जो दो है मैंने यहां पर लिखा एक्स बराबर दो, ये इसका शून्यक है। तो यहां लिखेंगे पी एक्स
का एक शून्यक दो है। अब देखिए एक शून्यक हो गया, दूसरा शून्यक भी हमको मिल जाएगा। कैसे? मैं x की जगह माइनस दो रखता हूं, मैंने कहा ना वो मान जो इसको जीरो कर दे। तो देखिए आप, मैं यहां माइनस दो लिखता हूं इसमें बहुपद में, तो क्या करेगा ये p और x की जगह माइनस दो, ये x है एक्स स्क्वायर, आप यहां पर माइनस दो लिख दीजिए और ऐसे माइनस दो का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग है ना, दो का वर्ग कितना होता है, चार होता है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है। ऊपर घात अगर सम संख्या में होती है, दो चार छः आठ सौ कितनी भी हो, तो वो प्लस की हो जाती है, विषम संख्या होती है तो माइनस की होती है। क्यों? माइनस 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 तीन बार गुणा करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस, फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस, ठीक है ना। तो विषम घात होती है तब तो होता है माइनस, और सम घात है तब प्लस का हो जाता है। ये जीरो आ गया, तो माइनस दो इसका शून्यक है, तो यहां पर लिखूंगा माइनस दो पी एक्स का शून्यक है। आप देखिए ये यहां पर दो मान है जो इसको शून्य करते हैं, दो भी करता और माइनस दो भी करता, तो जितनी घात होती है ना उतने शून्य होते हैं। घात दो है तो कितने शून्य होंगे, दो। घात तीन होगी तो कितने शून्य होंगे, तीन। घात चार होगी तो कितने शून्य होंगे, चार। तो इस तरीके से ये इसके घात दो है तो इसके दो शून्य होंगे, जितनी घात उतने शून्य। अब शून्य क्या है, एक्स का मान है जो बहुपद को क्या कर देता है, शून्य, इसलिए उसको शून्यक कहते हैं। एक्स का जो मान आता है उसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब ये पता चल गया शून्य किसे कहते हैं और कितने शून्यक होते हैं, ठीक है ना, जितनी उसकी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, और एक्स का वो मान जो शून्य कर दे उसको शून्य कहते हैं। अब आइए इस प्रश्न में देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपकी किताब का है 2.1 का। किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये बहुत सारे ग्राफ आपकी किताब के हैं, मैंने आपके प्रश्न वहीं से लिए हैं। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, पी एक्स का मतलब बहुपद। तो मैंने आपको कहा था कि एक्स के जितने मान होते हैं उतने शून्यक होते हैं। अब यहां पर यह ग्राफ है, तो ग्राफ में यह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने शून्यक होंगे। अब आप देखिए ये एक्स अक्ष को यहां पर यह ग्राफ काटता ही नहीं, ये वाई अक्ष को काटता है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे जीरो, कोई शून्यक नहीं होगा, एक्स का एक्स को काट ही नहीं रहा है। ये देखिए यहां एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर काटता है तो कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। यहां पर देखिए यह एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, हैं जी, एक दो तीन, इसलिए कितने शून्यक होंगे, तीन होंगे। अब देखिए यहां पर ये कितने बिंदुओं पर काटता है एक्स अक्ष को, तो कितने शून्यक होंगे, ये कितने बिंदुओं पर काटता है, तो कितने शून्यक होंगे, चार। ये एक दो तीन चार एक्स अक्ष को काटना चाहिए, इसके कितने शून्यक होंगे, देखिए ये एक दो तीन बिंदुओं पर ही काटता है इसलिए तीन शून्यक होंगे। तो ऐसे कोई ग्राफ बना करके आपको परीक्षा में दे सकता है और पूछ सकता है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान रखना एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, तीन बिंदु पर काटता है तीन शून्यक, एक बिंदु पर काटता है तो एक शून्यक। वाई का कोई मतलब नहीं है, एक्स को कितने बिंदुओं पर, एक दो तीन चार, वाई को काटता उसे नहीं मतलब है, एक्स को कितने पर काटता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न, आपके एक ही प्रश्न था, आपके बिल्कुल बेसिक था और ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे की जो प्रश्नावली है 2.2, वो आपको इसके शून्यक ज्ञात करने के ऊपर है, तो मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ शून्यकों में और इसमें संबंध, ठीक है ना, क्या संबंध होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, तो देखिए साहब गुणांक क्या होता है, शून्यक तो अभी बताया, x के वो मान जो बहुपद को शून्य कर देते हैं, याद रखना पड़ता है, ये परिभाषाएं होती है। अब इसमें
आप अगर एक द्विघात समीकरण लेते हैं ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद समीकरण नहीं, समीकरण बराबर जीरो लिखने पर बनता है, तो ये बहुपद है, इसको हम पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, पी एक्स, पी का मतलब बहुपद, ये एक्स लिखे हुए हैं इसलिए ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, वाई होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी वाई होगा। अब घात दो है तो कितने शून्य होंगे, दो, और मान लीजिए वो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, भाई एक्स को कोई दो मान आएंगे, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में देखा माइनस दो प्लस दो होते हैं, अब यहाँ ऐसा कोई होगा नहीं क्योंकि ये एक जनरल चीज ली हुई है इसलिए ऐसा नहीं होगा, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, इनको शून्यक मानते हैं, ये दोनों ही शून्यक, और ये ए बी सी इनको गुणांक बोलते हैं, ए बी सी इनको बोलते हैं गुणांक, यानी गुणाकांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, बी एक्स का गुणांक हो, गुणा का मत हो गया ना, गुणांक गुणा का अंक, एक्स के गुणा में बी, एक्स स्क्वायर गुणा में ए, ये बिना एक्स का, तो इनमें संबंध देखना है, यानी अल्फा बीटा में और ए बी सी में, गुणांकों में और शून्यकों में संबंध, तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाई, यानी मूलों का योग बी बटाई, ये ए हमेशा नीचे रहेगा, देखिए यहां से नीचे जाएगा और माइनस बी बटाई, दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये गुणा में है ना एक्स स्क्वायर वाला, ये नीचे रहेगा, बी अपॉन ए सी अपॉन ए ऐसे नीचे रहेगा, ये माइनस बी बाई ए होता है, ये है मूलों का योग, शून्यकों का योग, इसको एस बी कहते हैं योग को, और इसको पी भी कहते हैं प्रोडक्ट, ऐसा भी कहते हैं पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट भी कहते हैं एस, एस और पी भी लिखते हैं, एस का मतलब जोड़ योग, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में सम कहते हैं, उसका अक्षर लिया हो पहला अक्षर, और पी का मतलब गुणा, मूलों का गुणा, गुणा इसलिए पी इसलिए लिखा क्योंकि गुणा को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए ये पी लिख दिया, ठीक है ना, तो ये एस और पी ऐसे लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, या पी भी लिख सकते हैं, पी मतलब प्रोडक्ट और गुणा एक ही बात है, तो ये इनमें संबंध हो गया ए बी सी में और अल्फा और बीटा में, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब देखिए हम द्विघात बहुपद का, अगर अपन को मूल दिए हुए हो तो अपन द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं, तो द्विघात बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जबकि मूल ज्ञात हो, अब मूल ज्ञात हो या मूल की जगह पर हम लिख सकते हैं शून्यक, एक ही बात है, शून्यक ज्ञात हो, मूल ज्ञात हो, अल्फा बीटा ज्ञात हो, तो बहुपद कैसे बनाएंगे, तो बहुपद देखिए ऐसे बनता है, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अब यहां पर s और p का मतलब वही है, ये रहा s का मतलब सम है और p का मतलब प्रोडक्ट, ये गुणा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, s और p नहीं लिखे ऐसे पूरा भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और p मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, कुछ दुनिया ऐसे भी लिखती है, दोनों ही राइट है, कोई फर्क नहीं है, s का मतलब योग, p का मतलब प्रोडक्ट, ये योग को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और ये ऐसे, पर मूल ज्ञात होने चाहिए, अल्फा बीटा ज्ञात होने चाहिए तो आप इसका बहुपद बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रश्न ऐसा दे सकते हैं, शून्यक शून्यक दो व तीन का बहुपद ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल है, दो और तीन ये शून्यक है, शून्यक दो और तीन का बहुपद ज्ञात करना, तो शून्यक दे दिया, शून्य का मतलब क्या है, ये x के मान है, यानी x के मान मतलब शून्य का मतलब एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ये ऐसे आपको दे दिया एक अल्फा एक बीटा, तो अब आप देखिए इसका आपको अगर बहुपद लिखना है पी एक्स लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पी एक्स बराबर मैंने आपको बताया था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ इंटू एक्स और मूलों का गुणा, या एस एक्स और पी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बहुत सिंपल देखिए साहब, एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा इनका जोड़, दो और तीन का जोड़ होता है पाँच, और इनका गुणा दो और तीन का गुणा होता है छः। अब के का मान क्या होना चाहिए? के यहाँ पर बट्टे को ख़त्म करने के लिए होता है। अगर पाँच के नीचे कुछ होती संख्या, जैसे मान लो तीन होता तो मैं के का मान तीन रख देता, या यहाँ पर दो होता इसके नीचे दो होता इसके नीचे मान लीजिए तीन होता तो उसका लस्य पे दो और तीन का छः, तो मैं के का मान छः लिखता। यानी नीचे वाली संख्या को जो हर में लिखी जाती है उसको हटाने के लिए होता है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उसको हटाओ, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर के का मान जो आएगा वो एक आएगा। तो ये इस तरीके से आप देखिए सीधा सीधा ये बहुपद हो गया। यानी अगर इस बहुपद को आप गुणनखंड करके जीरो लिख करके एक्स के मान निकालोगे तो यही आएंगे दो और तीन। आप इसको सरल करेंगे ना, तीन दूनी छः त्रिपद हो रहे हैं देखिए आप, तो वापिस दो और तीन ही आएंगे, यही आंसर आएगा। यानी आपको आंसर दिया हुआ है और आपको बहुपद बनाना है, और बहुपद दिया हुआ है तो आंसर निकालना, मतलब इसको जीरो लिख के एक्स के मान निकालना। तो वो इस तरीके से, जैसे अब ये इसके थे, अब आप इसको सरल करके देख लीजिए ये का ये आएगा। अब मैं शून्य ज्ञात करना चाहता हूं तो देखिए ऐसे लिखूंगा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छः। मुझे शून्य ज्ञात करना है इसलिए मैं शून्य लिखूंगा, बराबर में जीरो लिखूंगा क्योंकि मुझे जीरो का शून्य निकालना है, इसको एक्स का वो मान जो इसको शून्य कर दे, इसलिए शून्य लिखना पड़ेगा। अब इसके गुणनखंड करने हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ दें तो पांच आ जाएगा माइनस पांच, और उनको गुणा करें तो प्लस का छः, तो वो कौन सी संख्या होगी? दो तीय छः। देखिए जोड़ते हैं माइनस दो और माइनस तीन तो बिल्कुल माइनस पांच आता है, गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस तीन दूनी छः, ये आ रहा देखिए। तो ये इस तरीके से इसको त्रिपद करने होते हैं, बीच वाले को अपन को दो भागों में बांटना होता है, उन दोनों भागों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस पांच आ जाना चाहिए, और उन दोनों भागों को गुणा करें तो ये अंतिम पद आना चाहिए। उसके बाद में अपन दो दो के जोड़े बनाते हैं। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर और इसमें से ये कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा, छोटी घात, एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटी घात एक्स है तो छोटी घात कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर में से, तो एक्स बचेगा एक्स बार, तो ये दो। फिर तीन और छः में तीन कॉमन है, यानी तीन का भाग तीन में भी जाता है छः में भी जाता है, इसलिए तीन कॉमन कहलाता है जिसका भाग दोनों में जाता है। एक्स तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ एक्स है पर छः के साथ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ से तीन कॉमन ले लिया तो एक्स बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है आगे के निशान बदलेंगे, प्लस का छः है तो माइनस का हो जाएगा तीन दूनी छः, इस तीन का भाग देना पड़ेगा छः में। ये जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं, यहाँ एक्स माइनस दो है, यहाँ भी एक्स माइनस दो है, ये एक जैसे होने चाहिए तो समझिए कि आप गुणनखंड सही कर रहे हैं। अगर ये एक जैसे नहीं है तो गुणनखंड आपका गलत है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर x माइनस टू अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो दो का गुणा जीरो, ये कॉमन ले लिया x माइनस दो तो x बच गया, यहाँ से x माइनस दो तीन बच गया, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, यानी ये आ जाएगा देखिए x माइनस दो जीरो एक्स माइनस तीन जीरो, दोनों में से एक जीरो होगा क्योंकि दो संख्याओं का गुणा कभी जीरो नहीं होता है, उनमें से एक जीरो है तभी जीरो होगा, जीरो इंटू तो जीरो आ जाएगा, या ये जीरो इंटू तो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स के मान आपको क्या मिल गए, दो और यहाँ से तीन, तो ये देखिए शून्य का आगे दो और तीन, और ये देखिए ऊपर यही तो था अल्फा और बीटा दो तीन। तो अगर शून्य दिए हुए, शून्य का मतलब एक्स के मान दिए हुए, तो आपने बहुपद बना दिया, और बहुपद दिया हुआ है तो गुणनखंड करके आपने जो मान निकाले वो शून्य के मिल गए। यानी ये दिया हुआ है शून्य बहुपद बन गया, बहुपद दिया हुआ है शून्य मिल गए, तो ये उल्टे और सीधे दोनों तरीके ही प्रश्न है और दोनों ही आने चाहिए, और इनमें संबंधों का सत्यापन वो भी आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपको आना चाहिए, तभी समझिए कि आपको ये सारी चीजें आती है, नहीं तो नहीं आती है। अब इसके बाद में देखिए ये जो आगे वाली प्रश्नावली है 2.2, इसके अंदर ये कुछ इसी तरीके का प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी वो संबंध सही है कि नहीं है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए आता कि नहीं आता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए आता कि नहीं आता है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं ये पहला पार्ट आपको करवाता हूँ, बहुत ही ईजी है, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो लिखेंगे, क्यों? हमें शून्य की ज्ञात करने हैं इसलिए इसको शून्य लिखना पड़ता है, तभी वो शून्य आएगा, शून्य का आएगा नहीं तो आएगा नहीं।
गुणनखंड करने हैं इसके दो टुकड़े, गुणा करने पर आठ, जोड़ने घटाने पर माइनस दो, तो चार दूनी आठ। ये देखिए इस तरीके से वापिस इसको चेक करना चाहिए। जोड़ो माइनस चार और प्लस दो को जोड़ेंगे तो माइनस के दो आ रहे हैं। माइनस चार प्लस दो, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि जुड़ जाएंगे, बोलते हैं कि जोड़ने पर, जुड़ते नहीं है। माइनस चार प्लस दो घटेंगे, उल्टे निशान है। और निशान किसका आएगा, जो बड़ा है, चार बड़ा है तो माइनस दो। गुणा करोगे ये माइनस प्लस, गुणा करते हैं तो माइनस और चार दूनी आठ। तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है, जोड़ने पर ये बीच की संख्या आ रही है, गुणा करने पर आठ आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से दो दो के जोड़े करते हैं। देखिए इस पहले दो के जोड़े में से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर और चार एक्स में से एक्स। अब एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक्स लिया तो पीछे एक एक्स बच गया, घात दो है ना, दो में से एक घात बाहर आ गई तो एक घात अंदर बच गई। यहाँ चार एक्स है, एक्स पूरा बाहर चला गया तो सिर्फ चार बचेगा पीछे। अब दो और आठ, दो कॉमन आ जाएगा क्योंकि दो का भाग दो में भी जाता है आठ में भी जाता है। एक्स कॉमन नहीं आएगा, एक्स यहाँ है, यहाँ आठ के साथ एक्स है ही नहीं, तो यहां पर आ जाएगा एक्स, दो का भाग दे दीजिए चार दूनी आठ। अब देखिए इसके कोष्टक में ये एक्स माइनस चार ब्रैकेट में एक जैसा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक्स माइनस चार कॉमन, यहां से ये बचेगा एक्स और यहां से ये बचेगा दो। अब देखिए या तो ये जीरो या ये जीरो, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस चार बराबर जीरो और एक्स प्लस दो बराबर जीरो। तो यहां से x के मान आ गए, एक तो चार आएगा और दूसरा आएगा माइनस दो। ये इसके शून्यक है, जो हो गया ना शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की जांच और शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास इसके शून्यक हो गए। तो देखिए यहां पर लिखूंगा शून्यक, क्या क्या आ गए शून्यक, एक तो आ गया माइनस दो और दूसरा आ गया चार। ये इस तरीके से ये शून्यक आ गए। अब सत्यापन करते हैं संबंधों का सत्यापन। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी बटा ए और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा और बीटा ये है माइनस दो और चार अल्फा बीटा, किसी को अल्फा मान लो किसी को बीटा मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस दो और ये प्लस चार, फिर माइनस फॉर्मूले का बी बटा ए। देखिए इसके बहुपद में ए एक्स स्क्वायर, इससे तुलना करनी पड़ती है तब ए बी सी मिलेंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ एक है तो ए बराबर एक मिलेगा। एक्स के साथ बी होता है या एक्स के साथ माइनस दो है, निशान भी साथ में आता है। फिर सी है बिना एक्स का या बिना एक्स का माइनस आठ। तो इस तरीके से आप ए बी सी तुलना करके आप लिख सकते हैं। अब बी, बी का मतलब है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस दो, और ए मतलब देखिए आप एक है। अब आप इसको देखिए चार माइनस दो दो होता है और माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, ये प्लस का दो, माइनस माइनस ये प्लस। तो देखिए ये संबंध सत्यापित होता है, दो बराबर दो सबको मालूम है। अल्फा इंटू बीटा इनका गुणा माइनस दो और चार, सी बटा ए, सी क्या है माइनस आठ, ए क्या है, ए है एक। आप देखिए साहब इनको गुणा करिए, चार दूनी आठ और ये भी माइनस आठ। तो देखिए ये बिल्कुल संबंध सत्यापित होता है, ये बिल्कुल संबंध सही है कि ये भी दो बराबर दो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, ये भी माइनस आठ बराबर माइनस आठ होता है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहां पर लिखेंगे संबंध सत्यापित होता है, यानी ये संबंध सही है। तो ये इस तरीके से पूरा प्रश्न करते हैं तब आपको इसका आंसर पूरा मार्क्स मिलता है। ये इस तरीके से है, आसान है, कुछ भी नहीं है। आगे वाला भी ऐसा ही है, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर चार चार आने चाहिए। तो ये हम कल बताएंगे आपको कि कैसे ये होगा। थैंक यू।